हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सोनू स्पीकिंग फ्रॉम सक्सेस स्पीकिंग क्लासेस। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मेरे पास पढ़ाने के लिए आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वर्ड है जो आर्टिकल में मुझे आज न्यूज़ में मिला, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ उसको। ये वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल करेंगे सब्सक्राइब, लाइक करेंगे और वीडियो करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। पहले मैं आपसे कहूँगा कि किसी इंसान का बेहोश हो जाने को आप कहते हैं फेंट। जब वो फेंट हो जाता है FAINT तो वो हो जाता है बेहोश, और फिर वो जब आता है होश में तो हम उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, आज हम ये सीखेंगे। उसको हम इंग्लिश में कहते हैं कम इनटू सेंस। का मतलब होता है होश में आ जाना। जैसे कि आप न्यूज़ आर्टिकल में देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन आई केम इनटू सेंस, जब मैं होश में आया। ये जो आर्टिकल है, इसका आर्टिकल में ये था कि एक कैप्टन की जो वाइफ है वो कह रही है कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं बेहोश थी, लेकिन जब मैं होश में आई तब तक मेरी लाइफ मेरे लिए एक यू टर्न ले चुकी थी। मतलब उसमें आर्टिकल में लिखा हुआ है, आप पढ़ रहे हैं आर्टिकल में लिखा हुआ आर्टिकल में लाइफ हैड ऑलरेडी टेकन यू टर्न फॉर मी। When I came into sense, इसका मतलब है कि जब मैं होश में आई या जब मैं होश में आया, लाइफ मेरे लिए यू टर्न ले चुकी थी। मैंने कहा तुम होश में आ जाओगे 5 मिनट के बाद। मैंने कहा यू विल कम इनटू सेंस आफ्टर 5 मिनट। मैंने कहा वह होश में आ जाएगा 2 मिनट के बाद। ही विल कम इनटू सेंस आफ्टर 2 मिनट। मैंने कहा वह 2 मिनट के बाद होश में आ गया, तो मैंने कहा ही केम इनटू द सेंस। अब केम इसलिए क्योंकि पास्ट हो गया कि वो होश में आ गया। मैंने कहा मैं 2 घंटे में होश में आया, तो बोलूँगा आई केम इन टू सेंस विद इन 2 आवर्स। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, आज की वीडियो में इतने काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे चैनल सब्सक्राइब, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट वीडियो।